ऋग्वेद और लेटर वैदिक। वेद वैदिक नाम ही में ही वेद आ रहा है। वेद किसने कहां से आया, किसने लिखा? भगवान का दिया हुआ। पहली बार वैदिक पीरियड में लैंग्वेज डेवलप हुई कौन सी? संस्कृत। सब इसी से तो निकली हैं। रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिलने शुरू हुए, जो इंडस वैली के टाइम पे, हड़प्पा के कल्चर पे हम बात कर रहे थे। किसके बारे में? कि हमें ये मिला तो वहां का कल्चर ऐसा रहा होगा। पोटरी मिली तो उन्होंने इसलिए बनाई होंगी, ऑर्नामेंट्स मिले तो वो फैशन की सेंस रखते हैं। लेकिन यहाँ रिटन में रिकॉर्ड्स, वेद पुराने टाइम में, मीन्स आप 1400 से बाद और इससे पहले अप्रोक्स, जो 1400 में क्या के बाद क्या हुआ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान, मैन मेड। और इससे पहले धर्म ही संविधान था। तभी तो श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, उपदेश देते हुए अर्जुन को कि उठो और तीर चलाओ इन अधर्मियों पर, धर्म के खिलाफ, क्योंकि धर्म ही संविधान है। और आज हम क्या बोलते हैं, ये हत्यारा है, इसको फांसी दो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से। और जब धर्म ही संविधान था, यहां रिप्रेजेंटेटिव कौन है? नेता लोग, पीएम, प्रधानमंत्री, सीएम, एमपी, एमएलए। और यहां यहां भगवान का कोई रिप्रेजेंटेटिव था तो कौन था? किंग, राजा। धर्म क्या है? वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ सोसाइटी, सोशल कल्चर, जो उसको डिपेंड करता है, डिफाइन करता है, रहने को सिखाता है आपको। मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन आपको रहना नहीं सिखाता। सुबह उठते हो ना, नहाते हो, मत नहाओ, बोलता है संविधान। क्या फर्क पड़ता है संविधान को? कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म इसने आपको बताया कि सुबह उठ के आपको नहाना चाहिए। घर में सफाई मत करो, क्या फर्क पड़ता है? मत करो, कोई रूल ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, धर्म कर रहा है, यह हमारा धर्म नहीं है, बोलता है ना, ये धर्म है और ये मैन मेड है। राह चलते भिखारी को दान देना पुण्य का काम है, धर्म का काम है। यहां जरूरत ही नहीं है, मत दो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। यहां फर्क कब पड़ेगा? जब आप कोई क्राइम कर दोगे, किसी को मार दोगे, वहां वो भी है। अगर आप मार दोगे तो उसकी भी सजा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, जब युधिष्ठिर और दुर्योधन में युवराज सिलेक्शन के लिए बात चली हुई थी,
सभा में केस आया जिसमें चार आरोपी थे। एक था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। अब उस इनका दोष यह था कि इन्होंने एक ब्राह्मण को मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो यह पैमाना तय करा गया दोनों के सिलेक्शन में कि कौन युवराज बनेगा। तो जैसे फोर्स करा गया जो प्लान के हिसाब से, तो दुर्योधन को पहला मौका मिला और उसने चारों को मौत की सजा सुनाई और सब लोग उसकी वाह वाह करने लगे। उसके भाई जो उसकी तरफ थे, लेकिन विदुर जो कि एक दास पुत्र था लेकिन उनका भाई भी था, वो कभी और डिस्कस करेंगे। विदुर ने बोला कि युधिष्ठिर का पक्ष भी हमें जानना चाहिए। तो जो दुर्योधन के फेवर में बोल रहे थे कि इसमें पक्ष क्या जानना भाई, इन्होंने मारा है तो मौत की सजा होनी चाहिए, यही धर्म बोलता है, न्याय यही है। तो विदुर बोला नहीं, फिर भी हमें सुनना चाहिए युधिष्ठिर को कि उसके विचार क्या है। तो युधिष्ठिर को मौका मिला, युधिष्ठिर उठे और युधिष्ठिर ने बोला शूद्र को 4 साल, वैश्य को 8 साल, क्षत्रिय को 16 साल, सॉरी इसको बोला 2 साल, 4 साल, 8 साल और 16 साल, लेकिन किसी को मौत की सजा नहीं दी। तो शकुनी दुर्योधन के मामा, उन्होंने बोला वाह क्या अजीब न्याय है। युधिष्ठिर बोला मामा जी न्याय अजीब नहीं है, शूद्र को ज्ञान नहीं है किसी की जिंदगी का, उसने अनजाने में वो काम कराया है इसीलिए उसकी सजा सबसे कम है। वैश्य को पता है, क्षत्रिय का काम तो ही रक्षा करना है, और ब्राह्मण ये तो खुद ज्ञानी है, ज्ञान बांटता है, वो ऐसा काम करेगा तो समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। धर्म न्याय एग्जाम्पल। वैसे ही अब जो रिप्रेजेंटेटिव राजा थे, कौन? अशोक। अशोका ने उपाधि ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, देवा नाम प्रियदशी, देवताओं का प्रिय, देवताओं को प्यारा। ऐसे ही गुप्ताओं ने उपाधि दी परम भागवत। और मिडिवल टाइम में जब मुस्लिम्स आ गए, मुस्लिम राजाओं ने उपाधि ली जिल्ले लाही। आज का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भगवान का नहीं है, वो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये एक धर्म में और मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है। अपने राष्ट्र की रक्षा करना धर्म है, विस्तारवाद करना किसी के लिए होगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग चाइना और जो सऊदी में साइड, यमन में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, वो ऋग्वेद, ऋग्वेदिक पीरियड,
और लेटर वैदिक। नाम में ही ऋग्वेद आ गया, इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अतेरिया ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, लेटर वैदिक एज में। अब एडवेंट ऋग्वेद में बोलता है एडवेंट ऑफ आर्यंस, आर्या, आर्य मतलब श्रेष्ठ, किस में, व्यवहार में, आचरण में, बोलने में। अब ये जो एडवेंट ऑफ आर्यन की जो थ्योरी है, ये जो घड़ी गई, किसने ये घड़ी होगी, क्या कारण था इसको, मैक्स मूलर नियर अबाउट 1850, 1850 के बाद 1857 आता है स्वतंत्रता संग्राम, पहला हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ब्रिटिश के गले की फांस बन गया था सर, उसको आपके घर को तोड़ना है तो आप क्या करोगे, किसी के घर को तोड़ोगे तो क्या से करोगे, एडवेंट ऑफ आर्यंस बाहर से आए। राखी गढ़ी की फाइंडिंग ने मुंह बंद कर दिया इसका, डीएनए सैंपल ने खंडन कर दिया इसका। आज तक चल रहा है सर वो, अब जब भी आप किसी भी पीरियड की हिस्ट्री को आप पढ़ोगे, वो मॉडर्न की हो, मिडिल वेल की हो, या आपकी एंशियंट हो, तीनों में ही आपने एक चीज को देखना है, इकोनॉमी और जियोग्राफी, क्योंकि इकोनॉमी और जियोग्राफी कैसे आपके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल सिनेरियो को, सिस्टम को चेंज करती हैं, अफेक्ट करती हैं। इसमें आपने नहीं पढ़ना कि यार वो था तो फलाना नेता हुआ, वो ऐसे ऐसे कर गया, कुछ चीज़ें गलत करी भी होंगी उन्होंने और जानबूझ के भी करी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सभी कर दी उस टाइम पे सर, क्या सिचुएशन थी, वो किस सिचुएशन में थे, गुजर रहे थे, उसको महसूस करने की कोशिश करना सर, पोपट मत बनना, समझ के पढ़ो, जानो। इकोनॉमी और जियोग्राफी को ध्यान में रखना किसी भी इसके, इकोनॉमी और जियोग्राफी, अर्थव्यवस्था और भूगोल। अब जब आर्यन रहते कहां थे सर, सप्त सिंधु, सात नदियां, सेवन रिवर्स, दो अफगानिस्तान की, पांच पंजाब की, ऋग्वेद में भी नाम आया है ना नदियों का, अफगानिस्तान की। मैप चेक करो सर, आप मैप चेक करो सब सिंधु का, आप देखोगे तो पाओगे कैसी रिहायश थी, ट्राइबल, ट्राइबल लोग थे, कबीले, कुरु कबीला, बृहदस्थ कबीला, कबीला,
भाई अफगानिस्तान में आप एग्रीकल्चर खेती कर सकते हो? नहीं, लैंड ही वैसी नहीं है, जियोग्राफिक कंडीशन फेवर ही नहीं करेगी। आपने केसरी फिल्म तो देखी होगी ना अक्षय कुमार की, जिसमें वो ले में पानी बचा बचा के उगाता है उसको, फसल को जानी नहीं है उसमें कितना टाइम तक आप लगे रहोगे, तब जाके उसमें से कुछ निकलेगा। वो गांव में जाता है और वहां से खाद लेकर आता है, ऐसे पूरा सीन दिखाया गया उसको, छुट्टी लेकर जब भी जाता है वो एक अपनी देश की मिट्टी के तरफ प्रेम दिखाया गया है। पिछड़े नहीं थे सर, पिछड़ा नहीं, ट्राइबल कबीला, राज्य नहीं थे, स्टेट नहीं था, जब राज्य नहीं थे तो राजा नहीं था, तो ये लोग चलते कैसे थे, कैसे सिस्टम वहां का चलता था? समितियां थी सर, सभा पंचायत, और किसी एक को चुन लेते थे, वो उन्हीं लोगों में बैठता था आराम से। और इकोनॉमी कैसी थी? पशु चारण, अर्थव्यवस्था थी भरण पोषण वाली, जितना खाया सॉरी जितना कमाया उतना ही यूज हो गया, रोज खड्डा खोदना, रोज पानी पीना, पशु चारण पे। तभी तो गाय का इतना महत्व है सर, पशु चारण, मिल्क फूड, दूध घी पनीर, और गोदान, पशु चारण था, वैल्यू थी गाय की, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। कितना इशू होता है इसके ऊपर सर आज की डेट में, कभी सोचा है आपने? सर्च करना क्यों इतनी इंपॉर्टेंस सडनली बढ़ रही है इसकी, कभी सोचा है? ट्राइबल लोग हैं सर, हम भी वहीं से, ट्राइबल मतलब नेचर से जुड़ा हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह गए, जब सूरज की रोशनी नहीं आती ना सर, तो पहाड़ों में जाने का मन करता है, जंगलों में जाने का मन करता है कि ग्रीनरी कुछ देखाएं, कंक्रीट देख के पागल हो गए हैं। कंक्रीट पे जब धूप पड़ती है ना और दोबारा रिफ्लेक्ट होके सेक मारती है, तब जाने का मन करता है सर। गर्मियों में सब भागते हैं ट्राइबल की तरफ, जंगलों की तरफ। जियोग्राफिक कंडीशन सूटेबल नहीं थी, अमेरिका को देखो सुपर पावर क्यों बन गया, क्यों बन गया सुपर पावर? जियोग्राफिक कंडीशन। आयरन की खोज नहीं हुई, इंडस वैलों के भी पास नहीं थी, इनके पास भी नहीं है, ऋग्वेद वालों के पास। अब आप खेती करोगे तो कैसे करोगे? लोहा बड़ी कमाल की चीज है सर, लोहे ने ह्यूमन रेस की इकोनॉमी को ही बदल दिया। आप लकड़ी के हल से खेती कर लोगे? पेंसिल लेके ना घर में गमले तो होंगे, उसमें चला के देखना थोड़ी देर, उसको चलाना, आपको पता चल जाएगा कि खेती कर पाएंगे नहीं।
इसीलिए तो जिसके पास ज्यादा गाय होती थी ना, तो उसको गोमद बोला जाता था, गोमद, जिसके पास ज्यादा गाय होती थी। लड़की को बोला जाता था दुहित्री। और युद्ध के लिए ये वर्ड यूज होता था गविष्टि। जब हस्तिनापुर का विभाजन हुआ और इंद्रप्रस्थ बना, तब उस धृतराष्ट्र ने 1,000 गायों का दान, 1,000 गायें, दान नहीं, गायें दी थी। किसको? युधिष्ठिर को। गो आधारित इकोनॉमी। अब जब आपने बोला सर कि ये युद्ध होता था, तो गायें के ऊपर युद्ध होता था, स्टेट तो था नहीं, राज्य तो था नहीं, तो सेना भी नहीं हो गई, तो लड़ते कैसे थे? तो ग्राम लड़ते थे, ग्राम समूह लड़ता था पूरा। और तभी तो जब दो ग्राम लड़ते थे तो उसको बोला जाता था संग्राम। महाभारत इससे अलग है। महाभारत पूरे भारत का, इसीलिए महाभारत। और फिर 1000 BC जब आया, तो आयरन का पहला सैंपल मिला सर। आयरन का पहला सैंपल मिला जब, कब? 1000 BC में आयरन, लोहा, तेईस, सब कुछ बदल गया। एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया, इंक्रीज हो गया। कहाँ मिला पहला? धारवाड़, कर्नाटक, हल के, लकड़ी के बने हुए हल के आगे नीचे एक नोक टाइप में एक लोहे का टुकड़ा लगाया, धरती को चीरता हुआ चला गया। एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया। अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो आपको ग्रीनरी दिखेगी सर, नदियां हैं, गंगा, यमुना, दुआब, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तुंगभद्रा, ग्रीनरी दिखेगी। ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात करी जाती है उस ग्रीनरी को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि जिन इलाकों में कंडीशन तो है एग्रीकल्चर करने की लेकिन बढ़ नहीं पा रही, कारण पानी। वहां की मिट्टी सपोर्ट तो करती है लेकिन बढ़ नहीं पा रही। आयरन के आने से एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो गया, लोगों ने माइग्रेशन भी शुरू करी, लैंड को क्यों रिक्वायर करा, जंगल भी कटे और एग्रीकल्चर बढ़ता गया पॉपुलेशन के साथ। अब यहाँ देखो ना आपने, वो मेरी धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सावन पे कितने गाने बने सर? वो हम साथ साथ फिल्म है ना एक सलमान खान की, मेरे बिगड़ा में नाचे मोर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर वो ऋग्वेदिक पीरियड के लोग, अब लेटर वेदिक आ गया तो ये लेटर वेदिक से कनेक्टेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऋग्वेदिक लोग एग्रीकल्चर को नहीं जानते थे। पता था दुबई के क्या नहीं जानते? जानते हैं, पता है उनको गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, कैसे उगती है। सऊदी के जानते हैं, अफगानिस्तान के जानते हैं, लेकिन
जियोग्राफिकल कंडीशन वहां ऐसी नहीं है। अफगानिस्तान में आर्मी रखोगे चल पाएगी? नहीं, इकोनॉमी नहीं है सर, तभी तो तालिबान बैठ गया आगे दोबारा। भाई प्राइमरी सेक्टर क्या है आपका? एग्रीकल्चर बेस, इसके ऊपर सेकेंडरी इंडस्ट्री बिल्डिंग, इसके ऊपर टर्शरी सर्विस, यही नहीं है तो ये दो कैसे होंगे? अफगानिस्तान में कहाँ है? इसीलिए अगर आप दुबई का देखोगे तो दुबई, अब या सऊदी को देखोगे तो उन्होंने पेट्रोलियम छोड़ के, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पे जोर हो गया है इसीलिए पेट्रोलियम पे वो डिपेंड नहीं रहना चाहते। आईटी सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू कर दी, कि उनको उन्होंने एस्टिमेशन लगा लिया कि 15-20 साल के बाद पेट्रोल की वैल्यू डिमांड आधी गिर जाएगी, अब इसलिए वो आईटी सेक्टर पे सोलर एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब हाल आया, अब अच्छा अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 15 में भी 17, बस 100% में से। पहले कितना हुआ था आज़ादी के टाइम पे? कितना हुआ था? 60-70। कितना बचा? क्योंकि कारण ये रहा, अब ब्रिटिश आए, उनको चाहिए था क्या? लेबर। वो कहां से आएगी? गांव से। जैसे ही मॉडर्न एज, आधुनिक युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़े तो डिमांड हुई लेबर की, और लेबर कहां से आनी? गांव से। भाई कोई बंदा गांव में ही काम कर रहा है तो गांव में कैसे आएगी? उनको पढ़ाओ लिखाओ समझदार बनाओ, तब वो अब स्किल्ड, पहले वो अनस्किल्ड को ही ले लेते थे, एक्सीडेंट होने लग गए, फिर स्किल्ड की जरूरत पड़ गई, कोर्सेज चल गए, डिग्रियां चल गई, अलग अलग कोर्सेज डेवलप हो गए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की वैल्यू गिर का परसेंटेज गिर गया। अब सपोज करो ये आज भी 30 डबल हो जाए, सपोज करो ये 15 से 30 हो जाए, और मैं तो चाहता हूँ हो जाए, तो आप सोचो इकोनॉमी कहाँ होगी इंडिया की? कोरोना में 2 साल बंद रहा, इसी ने बचाया बेस। अगर ये आपका कमजोर है तो आपकी इकोनॉमी गई, खत्म, गया, फिनिश, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। और जब आयरन आई तो हल इसकी वैल्यू बढ़ गई, और जब वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू में इंक्रीज हो गया, तो इसको पूजा जाने लगा, गोवर्धन पूजा करते हो ना दिवाली के अगले दिन, सभी करते हैं, गांव में तो बहुत होती है, तो वहां किसकी पूजा होती है? गोवर्धन नाम में फिर गौ आ गया, गोधन, हल, मशीन्स, एग्रीकल्चर मशीन्स। तो हल की पूजा ने, एग्जाम्पल प्रूफ, शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है प्लो रिचुअल के बारे में, पढ़ लेना नेट पे सर्च करके, भूमिदान। उसके बाद अब जब ये हल आ गया है, एग्रीकल्चर एक्सपेंड होने लगा, तो माइग्रेशन भी शुरू हो गई, किस तरफ? उत्तर की तरफ, टुवार्ड्स उत्तर की तरफ। उसके बाद यूपी की तरफ, हरियाणा, यूपी, गंगा के पास।
और फिर स्टेट्स बनने शुरू हो गए। अब स्टेट्स बन रहे हैं तो स्टेट्स को क्या चाहिए, किसी भी राज्य को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है, टैक्स, मनी, पैसे की, टैक्सेशन सिस्टम। बिना पैसे से आप सेना नहीं बना सकते। उससे पहले तो समितियां होती थी और वो टोली आपस में लड़ती थी, वही ग्राम संग्राम बन गया और टैक्सेशन सिस्टम का आरंभ शुरू हो गया। उसके एविडेंसेस हमें मिल गए और फिर ये एक्सपेंड हुआ मौर्या में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसे नहीं पढ़ना सर, पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करो सर। सोचो कि क्यों ये चीज हो रही है, क्या कारण था वहां पे कि ये चीजें डेवलप हुई। आपने पढ़ लिया, लिख लिया, एक पेपर ले लिया जिस पे लिखा हुआ है कि आप बैचलर हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, पीएचडी हैं। और फिर आप कोई अच्छे इंजीनियर बन गए आप, या अच्छे डॉक्टर बन गए, या किसी कंपनी में नौकरी लग गए, अच्छी पोस्ट पे चले गए, 1.5-2 लाख, 2.5 लाख सैलरी भी लेने लगे मंथली, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। जब आप ऑडिट कराओगे ना सर उन कंपनियों में, तो वहां पे जब आप बोल नहीं पाओगे तो आप पोपट बन गए, समझो आप पोपट ही हैं सर। भाई बाहर से आपसे कोई पूछने आया, आपके घर आया, उसने बोला कि यार मेरे को खाने के लिए नमकीन दे दो, लेकिन आपके पास है नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास समझ नहीं है। तो नहीं सर, पोपट नहीं बनना है, कनेक्ट करके चलना है सारी चीजों को। डिटेल में बात करेंगे वैदिक पीरियड के अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में। 3 इडियट मूवी तो देखी होगी ना सर, भी रणछोड़ दास ना बनो, फुनसुक वांगड़ू मत बनो, जरूरी नहीं है सर, राजू रस्तोगी बनो भाई, उसके समझ तो रखो। और चतुर रामलिंगम एंड तक उसमें भागता ही है, किस लिए, फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए नहीं पढ़ना सर, जानने के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए। तो आज इतना इसमें ही, अगले लेक्चर में फिर इसको आगे पढ़ेंगे, आगे की तरफ वैदिक कल्चर को। थैंक यू।